दोस्तों, बैंडिट क्वीन फूलन देवी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपको ये मालूम है कि कैसे एक लड़की फूलन देवी बन गई और क्यों फूलन देवी ने 22 राजपूतों को एक लाइन में खड़ा करके उन सभी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आत्मा को झकझोर देने वाला सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि किस तरह फूलन देवी के साथ 300 से भी ज्यादा बार बलात्कार किया गया। और ये सब तो दोस्तों कुछ भी नहीं, फूलन देवी की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ घटित हुआ है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि कौन है फूलन देवी और क्या थी उसकी जिंदगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, फूलन देवी की जिंदगी की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गोराह का पुरवा नाम के गांव से। यहाँ रहने वाले एक मल्हा परिवार में साल 1963 में फूलन देवी जन्म लेती है। फूलन के पिता के 4 बच्चे थे जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थी। सभी भाई बहनों में सबसे छोटी फूलन देवी ही थी। फूलन के पिता के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो खेती किया करते थे, साथ ही साथ वो नाव भी चलाते थे और इन्हीं दोनों चीजों से वो अपना गुजर बसर किया करते थे। फूलन देवी का परिवार दोस्तों बहुत ही ज्यादा गरीब है, लेकिन गरीबी के आलम में रहने के बावजूद फूलन देवी बिल्कुल भी शांत स्वभाव की नहीं थी। जब कभी भी ये कोई गलत चीज देखती थी तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए खड़ी हो जाया करती, फिर चाहे वो ऊंची जाति के लोग हों या फिर इनकी जाति के लोग हों। ये उन सभी को खरी खोटी सुना दिया करती थी, मौका पड़े तो लड़ने भी लगती थी, यहाँ तक कि मारपीट तक पे उतर आती थी। दोस्तों, फूलन देवी के पास जो जमीन थी उसके कुछ हिस्से में उनके चाचा ने कब्जा कर लिया था और ये बात फूलन देवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बार बार अपने घर पर कहती थी कि हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और अपनी जमीन चाचा से वापस लेनी चाहिए, पर इनके पिता अपने भाई के खिलाफ नहीं खड़े होना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, फूलन लगातार अपने चाचा का विरोध करती थी। फूलन देवी के स्वभाव के कारण इनके माता पिता हमेशा परेशान रहते थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी बहुत ही ज्यादा लड़ाकू स्वभाव की है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर देनी चाहिए वरना ये कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देगी। और फूलन के पिता ने कुछ ऐसा ही किया और उनकी शादी कर दी। लेकिन जब फूलन की शादी हुई तो उनकी उम्र मात्र 11 साल की थी। वहीं फूलन की शादी जिस लड़के से करी गई उसकी उम्र 35 साल की थी, यानी कि ये लड़का फूलन की उम्र से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। ये एक ऐसा रिवाज था जिसमें लड़की की शादी तो बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी, लेकिन उसका गौना बालिक होने के बाद किया जाता था, जब लड़की घर परिवार संभालने लायक हो जाती थी। जैसी लड़की थोड़ी बड़ी होती उसे ससुराल भेजा जाता। कहा जाता कि फूलन के पिता ने उसका गौना नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके पति पुत्तीलाल ने उसके साथ बहुत बार बलात्कार किया था। उस वक्त फूलन की शादी पूरी तरीके से नहीं हुई थी और ना ही वो बालिक थी, और फिर भी उसके पति ने फूलन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। और ये सब कुछ फूलन की मर्जी के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि बेचारी फूलन तो छोटी सी उम्र में इस तरह के संबंधों का मतलब भी नहीं समझती थी। फूलन के घर वाले बिना गौने के ही उसे ससुराल भेज दिया करते थे, जहाँ बार बार उसके साथ बलात्कार होता था। ससुराल में होने वाले खराब रवैये से तंग आकर फूलन अपने मायके आ जाया करती। ये बात फूलन के पिता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए एक बार जब फूलन अपने मायके आई तो उसके पिता ने अपनी ही बेटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी कि फूलन मारपीट करती है और उसने घर की सोने की अंगूठी चुराई है। पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने फूलन को गिरफ्तार कर लिया और पूरे 3 दिनों तक उसे जेल में रखा, और इन 3 दिनों में जेल के अंदर भी फूलन की इज्जत के साथ बार बार खिलवाड़ किया गया। और जब 3 दिनों के बाद फूलन जेल से बाहर आई तो उसके पिता ने वापस उसे ससुराल भेज दिया। ससुराल जाने के बाद फूलन को पता चलता है कि उसके पति पुत्तीलाल ने दूसरी शादी कर ली है, और इसी बात से फूलन नाराज हो जाती है। लेकिन फिर उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं और सामान सहित वापस मायके भेज देते हैं। अब फूलन का कोई भी ससुराल नहीं था, वो ससुराल से भी निकाली जा चुकी थी और मायके में भी कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। ऊपर से थाने में जो कुछ भी फूलन के साथ हुआ उसने उसे अंदर से तोड़ दिया, और फूलन का गुस्सैल स्वभाव उसके ऊपर हावी होने लगा। वो बागी हो गई, जिसके बाद उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो कि डाकू थे। फूलन के संपर्क में आए ये लोग उसी की जाति के थे, जिसके बाद फूलन देवी बाबू गुर्जर के गैंग को ज्वाइन कर लेती है। इस गैंग में बाबू गुर्जर के बाद जो दूसरा आदमी था उसका नाम विक्रम मल्लाह था। विक्रम फूलन की जाति का ही था और उसे पसंद भी करता था, लेकिन बाबू गुर्जर की गंदी नजर हमेशा फूलन के ऊपर थी और बाबू गुर्जर ने कई बार फूलन के साथ बलात्कार भी किया। इस बात से विक्रम काफी ज्यादा नाराज था, और एक बार जब बाबू गुर्जर फूलन के साथ बलात्कार करने जा रहा था तभी विक्रम अपने आप को काबू नहीं कर पाया और उसने बाबू गुर्जर को ही गोली मार दी। बाबू गुर्जर के मरने के बाद गैंग में वही लोग बचे थे जो मल्लाह जाति से ताल्लुक रखते थे, क्योंकि बाबू गुर्जर का साथ देने वाले ऊंची जाति के लोगों को
या तो मार दिया गया या तो गैंग में उन्हें छोटे मोटे आदमी के तौर पर रख लिया गया। अब इस गैंग का लीडर बना विक्रम मल्ला, फूलन देवी भी विक्रम को पसंद करती थी। इन दोनों के प्यार के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। विक्रम ने फूलन को हर एक चीज की ट्रेनिंग दी कि डाकू कैसे डाका डालते हैं और कैसे रहते हैं, जिसके बाद दोनों मिलकर छोटी मोटी लूट की घटनाएं और किडनैपिंग्स करने लगे और इस तरह अपनी जिंदगी ये गुजारा करते थे। जब फूलन देवी अच्छी तरह से ट्रेंड हो जाती है तो अपने साथियों के साथ वो ससुराल पहुंचती है। वहां पर पुत्ती लाल को घर से निकाल कर उसे वो मारना शुरू कर देती है और साथ ही गाँव के लोगों से कहती है कि अगर किसी ने भी नाबालिग लड़की से शादी करी तो उसे जान से मार देंगे। इसी दौरान फूलन की गैंग के दो लोग लाला राम और श्रीराम पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। जब वो जेल से छूट कर आए तो उन्हें पता चला कि विक्रम मल्ला ने बाबू गुर्जर को गोली मार दी, जिसके बाद वो दोनों गैंग में जाति के आधार पर दरार डालने लगे और फिर राजपूत जाति के ज्यादा डाकू एक तरफ हो गए। गैंग में मल्लाह जाति के लोगों की गिनती कम थी, जिसकी वजह से साजिश करके विक्रम मल्ला को मार दिया जाता है और फिर ये लोग फूलन को लेकर अपने गांव आ गए और बारी बारी राजपूत जाति के डाकू ने फूलन के साथ बलात्कार किया। दोस्तों काफी दिनों तक राजपूतों ने फूलन देवी के साथ अत्याचार किया, लेकिन फिर उस गांव में एक मल्लाह जाति का आदमी रहता था जिसने फूलन की गैंग के दो लोगों के साथ मिलकर उसे बाहर निकाला। ये लोग फिर से एक बार फूलन को लेकर चंबल के बिहड़ों में आ गए और ये सभी मल्लाह जाति के लोग थे। फूलन देवी ने इन सभी लोगों को इकट्ठा करके एक नया गैंग तैयार किया और गैंग के लीडर फूलन देवी बन गए। जिस शख्स ने फूलन देवी को बचाया था उसका नाम था मान सिंह, जिसने फूलन की जिंदगी में विक्रम मल्लाह की जगह ले ली थी। उसके साथ हुई बदसलूकी को लेकर फूलन देवी ऊंची जाति के लोगों से काफी ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए वो ऊंची जाति के लोगों के इलाके में ही डाका डालने चाहती। 14 मई 1981 को ये वो तारीख थी जब राजपूतों के गांव में शादी थी और इस शादी में वो सभी लोग भी आने वाले थे जिसने फूलन के साथ बलात्कार किया था। फूलन देवी अपने साथियों के साथ पुलिस की वर्दी पहनकर इस गांव में आती है और फिर फूलन देवी ने सभी लोगों की तलाश शुरू कर दी, जिसमें से केवल दो लोग ही मिले, लेकिन फिर भी फूलन देवी ने 22 राजपूतों को लाइन से खड़ा करके गोली मार दी और फूलन देवी का गैंग सुरक्षित वहां से वापस लौट आया। इस कांड के बाद फूलन देवी पूरे देश में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुकी थी। सभी अखबारों में फूलन देवी का ही जिक्र हो रहा था। यहाँ तक कि इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। अब पुलिस फूलन देवी को चप्पे चप्पे में ढूंढ रही थी, लेकिन फूलन देवी किसी के भी हाथ नहीं लग रही थी। जिसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये बात कही कि सरकार और फूलन देवी के बीच बातचीत होनी चाहिए। तब जाकर फूलन देवी ने कहा कि वो आत्मसमर्पण करने को तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। उसने कहा कि वो महात्मा गांधी और दुर्गा माता की मूर्ति के नीचे ही हथियार डालेंगे और गैंग के किसी भी सदस्य को 8 साल से ज्यादा की सजा नहीं होनी चाहिए और जेल से निकलने के बाद डाकुओं को जमीन और प्लॉट दिया जाएगा ताकि वो ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी सके। यहां तक कि फूलन देवी ने ये भी कहा था कि वो उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में सरेंडर करेंगी, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सरकार ने फूलन देवी की सभी शर्तों को मान लिया और फरवरी 1982 को फूलन देवी ने अपने सभी साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन फिर साल 1994 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार आई और उन्होंने फूलन देवी के ऊपर दर्ज तमाम मुकदमे वापस ले लिए और सभी मुकदमों को वापस लेने के बाद फिर 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की हत्या कर दी गई। जब ये अपने सरकारी आवास के गेट पर आ रही थी तभी 2 से 3 अज्ञात लोग गाड़ी से आते हैं और फूलन देवी के शरीर को गोलियों से छलनी कर देते हैं। कहा जाता है कि फूलन देवी को जिन्होंने मारा था उन्होंने 22 राजपूतों की मौत का बदला लिया था और इस तरह फूलन देवी की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। दोस्तों आप बैंडिट क्वीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय-बाय।